तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया ही होंगे। आज की हमारी सीरीज में बात करने वाले हैं कि अगर आप नए यूट्यूबर हैं और आपके 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं तो आप अपना कस्टम यूआरएल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और कस्टम यूआरएल क्या होता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे और अपने नए चैनल को यहाँ पर किसी के भी साथ शेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ आता होगा कि www.youtube.com/ करके यहाँ पर आपको UC ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि www.youtube.com/ करके चैनल का नाम यहां पर मैंने जो भी सेट किया होगा वो यहां पर आपको शो करेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने YouTube चैनल का कस्टम URL यहां पर आप जो भी चाहे अपने बना सकते हैं और वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से लगेगा। अगर आप किसी को भी अपने चैनल शेयर करेंगे तो वहां पर आपके चैनल का नाम पीछे के शो होगा जो भी यहां पर आपने सेट किया होगा। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपके पास पहले से कोई कस्टम URL है और अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो उसे भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आप अपने कस्टम URL को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि YouTube के दोस्तों काफ़ी सारे अपडेट आए हैं। उसके बाद कस्टम URL को चेंज कैसे करना है उसका भी यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन थोड़ा यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो उसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात जरूर चेक करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और ऐसी और भी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप अपने YouTube के कस्टम URL को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आप अपने YouTube चैनल के अंदर आ जाइए और वहां पर आपको अपने आइकॉन के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको योर चैनल के अंदर चले जाना होगा, और यहाँ पर आप योर चैनल के अंदर चले जाएंगे तो वहां पर आपको कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन शो करेगा जहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिंपली उसके ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। और अगर दोस्तों आप नए यूट्यूबर है तो यहाँ पर आपके 100 सब्सक्राइबर होना जरूरी है, उसके बाद अपनी कस्टम URL बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके 100 सब्सक्राइबर भी और साथ ही में आपका चैनल का लोगो और आपका बैनर भी है तो उसके बाद भी यहाँ पर आप अपने कस्टम URL को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर बेसिक इन्फो के ऊपर क्लिक करने के बाद तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम URL का यहाँ पर आपको ऑप्शन शो करेगा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने कस्टम URL को चेंज करना होगा तो आप यहाँ पर आप डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये इसे यहाँ पर आपको रिमूव कर देना होगा। और अगर आप दोस्तों पहली बार अपने कस्टम URL को सेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, नीचे आपको सेट कस्टम URL का ऑप्शन शो करेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको लर्न मोर के ऊपर क्लिक कर देना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपका एक न्यू टैब में एक पेज ओपन हो जाएगा। वहां पर आपको सब कुछ शो करेगा कि किस तरीके से आप अपनी नई वाली कस्टम URL रख सकते हैं या फिर इसे आप यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अपने YouTube स्टूडियो में जाना है। वहां पर आपको सेट कस्टमाइजेशन के में जाने के बाद वहां पर आपको सेट कस्टम URL का ऑप्शन डायरेक्टली शो करेगा। तो वहां पर आप कुछ भी रख सकते हैं, आप अपने प्रोफेशनल एक कस्टम URL भी सेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको इसे रिमूव करना है। तो आप कस्टमाइजेशन में जाएंगे तो वहां पर डिलीट ऑप्शन होगा जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन है। तो सिंपली वहां पर आपको क्लिक करना होगा डिलीट के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको अबाउट में जाना है और वहां पर आपको रिमूव का ऑप्शन शो कर देगा। तो जैसे ही यहाँ पर आप रिमूव करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया कि आपको सेट URL का ऑप्शन शो करता है उसी टाइप का ऑप्शन आपको भी शो करेगा। तो वहां पर आप अपनी कोई भी प्रोफेशनल कस्टम URL सेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपनी कस्टम URL को यहाँ पर रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारी ऐसी और भी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया आप सभी लोगों का। टेक केयर, बाय बाय।